राज्य में विघ्न बाधा, चोरी, डकैती, बदमाशी ये सब चीज नहीं था। समय से पानी बरसता था, समय से फल फूलता था, एकदम वातावरण जैसा था राजा की कृपा से सब सही ढंग से चल रहा था। ये सारी कीर्ति इसलिए होती थी कि राजा भद्रसेन जैन सिंह थे, वो शिव के परम शिष्य थे। वो प्रतिदिन शिव जी के पूजन में अच्छा चंदन फूल बिलपत्र अर्पण करके बराबर यही स्थिति करते थे कि हे सिंह जी, हमारे राज्य में किसी तरह का अशांत नहीं हो, किसी तरह का अकाल नहीं हो, किसी तरह की बड़ बीमारी नहीं। इस सदा उनके चरण कमल में नेह करके तभी वह सिंहासन पर बैठे। सुशील राजा थे, रानी भी उसी तरह से अपने पति धर्म के पालन करते हुए शिव के शरण में बराबर नहीं लगा। पति की सब सेवा करने के बाद न तो पहले शिव जी की सेवा करे और पति जी को उधर रहो, ऐसा नहीं हो। प्रत्येक नारी का ये करता, पहले पति की सेवा उसके बाद आने दे। ताकि स्वयं तुलसीदास जी रामायण में कहे, नारी धर्म नहीं दूजा, पति परम पद पूजा। नारी के लिए दूसरा कोई अन्य धर्म है। ये वशिष्ठ मुनि की पत्नी सीता जी को उपदेश दी वन में जाने के लिए, जा रही थी उस समय। अतः ठीक है, वो तो रामायण की कथा है, वो भी इसमें निहित है, वही उद्देश्य है इस कहने का। तो पत्नी रानी भी उनका जो अपना पत्नी का जो धर्म था पूर्ण करने के बाद शिव जी के चरण में नेह लगाकर राज्य में हाथ बढ़ा दिया। समय के अनुसार जो भी उसके पास एक लड़का जन्म लिया और उनके सेनापति को भी एक लड़का जन्म। सेनापति भी राजा की तरह ही खूब सुंदर ढंग से राज का संचालन करते थे। किसी तरह का व्यवस्थित नहीं था, किसी तरह का दुख तकलीफ नहीं। दोनों को आधा घंटा पहले राजकुमार जन्म हुआ, उसके बाद सेनापति के पुत्र जन्म। आधा घंटा के छोटा बाहर खूब राज्य में जश्न मना गया। जिस इसका जन्म लिया होगा तो खूब ढोल बजाते हुए कितना चॉकलेट पता होगा। तो राज दरबार में भी उसी तरह जश्न मना था। पूरे राज्य में, दरबार में तो हुआ ही, पूरे राज्य में कुछ नहीं कि हमको एक राजकुमार मिला, युवराज मिला, राजा के बाद हमको फिर एक राजा मिला। खूब सुख शांति से चला, राजा भी खूब शांति से चला। विद्या अध्ययन हुआ, थोड़े ही समय में विद्या अध्ययन के लिए लड़का जो है बढ़ता चला गया। जब 10-12 साल का उम्र का हुआ तो एक दिन सिंहासन में बैठी रानी बोल रही थी राजा से कि महाराज, हमारा जो लड़का है विद्या अध्ययन में निपुण हो गया, राज्य कार्य करने के योग्य हो गया, अब इसको सुंदर कन्या देखकर शादी कर देना उचित। राजा बोले कि ठीक है, युक्त देख लेते हैं समय कर, कोई अच्छी कन्या मिलती है, लड़की मिलती है, किसी शादी करते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग राज्य काज इस लड़के के हाथ में सौंप कर वनप्रस्थ को चले जाएंगे, वहां पर शिव जी के शरण में ध्यान देकर शिव लोक को प्राप्त करें। यही दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे। उसी समय देखे कि आकाश में धूल कहां से उड़ रहा। सिंहासन पर बैठे हुए राजा का नजर जो है सो दूर तक गया। कहा रानी देखो, आकाश में इतना धूल कहां से उड़ रहा, कोई आधी तूफान तो नहीं आ रहा। राजा को जैसे जैसे धूल बढ़ता आ रहा था अपने ओर, वैसे उसको चिंता हो रहा थी कि आधी तूफान तो नहीं आ रही, कौन सा इस तरह का धूल हम दिखाई नहीं है। विचित्र ढंग का धूल था, आवाज भी था, ध्वनि भी है। राजा जो है देखिए कि हमारे राज दरबार की ओर ही बढ़ रहा है, इसलिए राजा सिंहासन से इधर थोड़ा दूर पैदल चढ़कर अपने गेट के सामने पहुंच गया। गेट में देखते हैं कि बहुत सारा लोग जो है
जय शिव करते हुए बोलबम करते हुए आ रहा है और उसी के आगे आने का दूरी आकाश है, जय ध्वनि हो रहा है, ढोल झाल कीर्तन करते हुए जय शिव करते हुए बहुत सारा संत जो है सो इधर से आ रहा है। राजा को चिंतित हुआ कि अगर इतना जस्त संत जो है सो हमारे राज्य में क्यों, इधर आने का क्या प्रयोजन। रानी को भी साथ में लिया और कुछ दूर तक चले, देखते हैं कि उनके गुरु पराशर मुनि जब नजदीक में जब आए तो देखेगी रही तो हमारे गुरु जी आए पराशर मुनि। उनके गुरु जी का क्या नाम था, पराशर मुनि। राजा का नाम था भद्रसेन, उनके गुरु का पराशर मुनि आ रहे थे। पराशर मुनि को देख कर ही भयभीत हो गए, कहे आगे हमारे गुरु जी पैदल क्यों आ रहे हैं और इतने शिष्यों के साथ में क्यों आ रहे हैं, क्या आश्रम में कुछ हो गया है, आश्रम में कोई इस तरह घटना घटी है क्या, क्या हुआ हमको बिना बताए हुए हमारे गुरु जी पैदल चले आ रहे हैं। रानी को हाथ पकड़े और दौड़ कर गुरु जी की सेवा करने के लिए चल गई। उसी धूल से लिपटा हुआ पैर लोटपोट हुए राजा और रानी दोनों पराशर मुनि के चरण कमल में माथा रखे प्रणाम किए और बैठे बैठे कहे कि गुरु जी आप आज्ञा देते तो हम रक्त और सैन्य सामंत के साथ आपको यहाँ लेकर आते। कौन सा विपत आपके आश्रम में पड़ा, क्या हुआ, बिना आदेश दिए हुए आप हमारे यहाँ आ गए, कौन सी भूल हमने आपसे किया था। अरे बहुत सारा अने हृदय विदारक शब्द से पराशर मुनि को जब ये राजा बोल रहे थे तो पराशर मुनि बोले कि नहीं नहीं, दोनों कंधा पकड़ कर राजा को उठाए कहे कि देखो इस तरह की बात नहीं है, हम अपने शिष्यों के साथ में नीलकंठ भगवान की पूजा करने के लिए काशी जा रहे हैं, रास्ते में तुम्हारा महल पड़ता है इसीलिए सोचे कि हम तुम्हारे यहाँ थोड़ा आराम करके फिर कल सुबह काशी के लिए रवाना होंगे, इसलिए हम ये 10,000 शिष्यों के साथ आए और पैदल चलना है काशी तक, कितना दिन लगेगा कोई निश्चित नहीं है, यही सोच कर चल गया। बहुत खुशी हुए राजा और रानी दोनों अपने पगड़ी को निकाले और रास्ता को बहारते हुए राजा सिंहासन तक गए और पराशर मुनि को सिंहासन पर बैठा है और उनके शिष्य जितने थे सबको यथाजत स्थान पर बैठा दिया। उसके बाद सोने की कठौता में गंगा जल लाए, चरण धोए, चरण धोकर चरणामी ग्रहण किए, तो राज दरबार में उसका नाम को छिटवाए और पूछे कि बोलिए महाराजा आपकी क्या सेवा किया जाए। ये सब वाणी जब चल रहा था राजा में और ये पराशर मुनि में, उसी समय में उनका राजकुमार जो है सो विद्या अध्ययन करके आ गया। राजा भद्रसेन बोलते हैं कि देखिए गुरु जी बस आपके कृपा से यही संतान है, यही भावी युवराज है, और वो लड़का सेनापति जी का लड़का, दोनों लड़का एक साथ आ गया, वो लड़का जो है सेनापति का है और ये राजकुमार, दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ है, आधा घंटा पहले आधा घंटा के बाद, दोनों खूब पढ़ने में गुरु जी थे। सिंहासन में बैठे हुए साधु को देखकर पराशर मुनि को देखकर बच्चा भी आया और उनके चरण कमल को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद में एक जगह जाकर खड़ा हो गया। गौर से देखते हैं इसका, पराशर मुनि से बोले भद्रसेन की गुरु जी थोड़ा इसका भविष्य का रोहन सहन के बारे में बतला दीजिए। कहता है कि लड़का तो खूब योग्य है, विद्याधन में निपुण है, थोड़ा इधर आओ। तो पराशर मुनि राजकुमार को आगे बुलाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, हर तरह का देख करते दुखी हो गए, बहुत दुखी हुए। पराशर मुनि की आंख से आंसू निकलना शुरू हो गया, जब आंख से आंसू निकलना शुरू हो गया तो राजा रानी भी विचित्र हो गए, गाड़ी कौन से भूल हो गया हमसे, गुरु जी हमारे क्यों रोने लगे, कौन सी कमी हो गई हमसे, राजकुमार में क्या कमी हुआ, ये विद्यार्थ रो रहे हैं। बहुत देर के बाद आधा घंटा के बाद मूर्छित अवस्था में पराशर मुनि पड़ गए, हाथ रखे
गुरी से बोलते हैं भद्रसेन की गुरु जी, कौन सी भूल हुई हम, क्या हुआ, क्यों आपकी इस तरह का वास्ता हुई? अपने गमछा से मुख को प्रास्त मुनि पोछे और कहे कि देखो राजा, खुशी यह है कि तुम्हारे एक पुत्र जन्म लिया, लेकिन दुख यही है कि इस बच्चे का आयु आज से सिर्फ 7 दिन है। कितना दिन है? सिर्फ 7 दिन है ये बच्चे का आयु आज से, 7 दिन ही है। अब राजा भी मूर्छित पड़ गया और माँ भी पलट गई वहीं पर, गुरु जी वहीं पर पड़ गए। पराशर मुनि भी चिंतित हो गए कि देखिए हमारा चेला है राजा, वंश से निर्वंश हो जाएगा, राज्य का कौन चलाएगा। चिंतित हुए, तुरंत मुद्रा मक्षा भंग किए राजा को, राजा उठो, क्यों चिंता कर रहा है, शिव जी जो करेंगे वही होगा। राजा को अनुनय विनय करते हैं कि गुरु जी, हे पराशर मुनि, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कीजिए, कोई उपाय आप जरूर बताइए, कारण कि आप शिव के अनन्य भक्त। पराशर मुनि बोले कि ठीक है, तुम चिंतित मत करो, हम अपने गुरु जी से नेह लगाते हैं। तुरंत कुंडली में अपना आसन ग्रहण किए, नमः शिवाय के जब से तुरंत कैलाश पर पहुंचे, आत्मा से नेह लगा। गुरु जी शिव गिरिजा दोनों सामने जैसे बैठी हुई स्तुति कर रहे थे, वही स्तुति, नमामि शमशान निर्वाण रूपम, अन्य तरह की जो इनकी इच्छा हुई स्तुति की, स्तुति करने के बाद में बोले कि माँ, हम तुम्हारे शिष्य हैं, तुम हमारे गुरु हो, हम पर दया, हमारे शिष्य की रक्षा करो, क्योंकि हम गुरु हैं और तुम मेरा गुरु। शिव जी आवाहन बताए उनको, जो आत्मा अनुभूति थी, शिव गुरु से जो आदेश लेना था वो लिए, लेकर जब उनकी आत्मा पुनः शरीर में आता है तो जागृत अवस्था में कहते हैं, उठो राजा, तुम्हारे राज्य में जितने प्रकार के विद्वान है उनको बुलाओ और शत्रुद्री पाठ कराओ, तब जाकर तुम्हारे पुत्र का आयु में वृद्धि हो। तुम ऐसा, राजा का बात था, राजकुमार का जीवन का सवाल था, तत्क्षण रात भर में पूरे राज्य के जितने विद्वान थे, जितने प्रकांड तेजस्वी आत्मज्ञानी थे, सब दरबार में पहुंचे, जग मंडप बना, कलश रखाया गया और शत्रुद्री पाठ का काम शुरू हुआ। स्वयं पराशर मुनि अपने आसन में बैठकर शत्रुद्री पाठ का हवन करना। इसी समय में ब्रह्मा जी बोल रहे थे नारद से कि देखो नारद, इसी समय में पराशर मुनि राजा से कि राजकुमारों के पूर्व जन्म की कथा कह रहे हैं, पूर्व जन्म में ये क्या था, उसकी कथा पराशर मुनि को आत्मज्ञान हो रहा है और उस आत्मज्ञान से राजा भद्रसेन को कह रहे हैं। देखिए राजा, तुम्हारा जो ये बालक है, तुम्हारा जो ये पुत्र है, उसका पूर्व जन्म की कथा सुनो। दोनों राजा रानी अब उसके पूर्व जन्म की कथा को सुन रहे हैं। बोले पराशर मुनि बोले थे कि देखिए, तुम्हारे ही राज्य में महानंदा बोल के एक वैश्या थी। कौन थी? वैश्या, नाच गान करने वाली। उसके पास एक बंदर था और एक कुत्ता, वैश्या के पास एक बंदर और एक कुत्ता। वो जो महानंदा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अने सूरज उगने के पहले शिव मंदिर में जाती थी, अच्छा चंदन फूल बेलपत्र चढ़ाकर और घंटों शिव जी की स्तुति और भजन कीर्तन करती थी। उसके साथ साथ बंदर भी और कुत्ता भी जाता था शिव मंदिर में बैठकर, वो भी महानंदा भजन कीर्तन करती थी और ये दोनों जो है सो ताली बजाता था, बंदर और कुत्ता जो है सो डांस करता था, नाचता। इस नाच को देखकर महानंदा जो है गर्दन में रुद्राक्ष की माला,
गांव में रुद्राक्ष का ये हाथ में पैर में रुद्राक्ष का गुरु बना करके बंदर को भी और कुत्ता को भी सुंदर ढंग से सजा कर रखी हुई थी और आगे आगे वो चलती थी और पीछे पीछे दोनों कुत्ता और बंदर जो है तो धन 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 करते हुए वो भी मंदिर में पहुंचता था, उधर ही स्तुति पूजन करते थे महानंदा और इधर जो है कुत्ता और बंदर उसके नाच पर नाच गान करते। एक समय की बात है, इसके नाच गान से बहुत शोर था, दुनिया जानता था कि महानंदा के पास एक कुत्ता एक बंदर थे जो शिव के मंदिर में जैसे जैसे महानंदा गान गाती है वैसे ही ये नाचता गाता। एक समय की बात है कि महानंदा के घर में आग लगी, महानंदा के घर में ऋषि बदरात खाना पीना खाने के सो जाने के बाद में आग लगी। आग लग जाने के बाद में क्या हुआ, वो पूरा गर्म महसूस हुआ, महानंदा उठे कहे कि अच्छा पहले तो कुत्ता और बंदर को हटाना पड़ेगा, तो उससे रस्सी से जो बांधा था रस्सी को काटा, काटने के बाद में आग देख कर कुत्ता भी घर से निकल गया और बंदर भी घर से निकल गया, इधर महानंदा नहीं बच सके। महानंदा उसी आग में जलकर भस्म हो गई, वो शिव की शिष्या थी इसलिए वह गिरिजा जी की शिव लोक में गई और शिव जी की गौरी जी की सहेली होकर अभी निवास कर रही वह शिवलोक। इधर कुत्ता और बंदर